corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, gender, development, corruption. नवजात प्रसव माता की मृत्यु दर कम करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन द्वारा जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, जिससे नवजात पर माता स्वस्थ रह सके। माता व बच्चे की सुरक्षा के लिए सरकारी अस्पताल में प्रसव कराना जरूरी है। माँ व बच्चे की लंबी उम्र के लिए प्रसव के 48 घंटे तक अस्पताल में रहना जरूरी है, जिससे बच्चे व माँ को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, दोनों स्वस्थ रह सकें। इसलिए भारत सरकार ने जननी सुरक्षा योजना लागू की है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ संस्थागत प्रसव कराएँ और इस योजना का संपूर्ण लाभ उठाएँ। लेकिन प्रसव महिलाओं का कहना है कि हमें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, समय से पहले छुट्टी कर दी जाती है और हमें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। आपके बच्चे कब हुआ है? रात को 10 बजे। आपको छुट्टी कब मिलेगी? 5 बजे तक मिलेगी। और आपको जननी सुरक्षा का लाभ मिला या नहीं मिला? कैसे जननी सुरक्षा योजना चल रही है, उसका लाभ मिला या नहीं मिला अभी तक? मुझे तो पता नहीं है। आपके बच्चे कब हुआ है? 8 बजे। आपको छुट्टी कब मिलेगी? और आपको जननी सुरक्षा का लाभ मिला या नहीं मिला? राजस्थान के करौली जिले के सरकारी चिकित्सालय से सरकार की योजना के तहत भी कोई सुधार नहीं हो रहा है और यहाँ प्रसव वाली महिलाओं को 12 से 18 घंटे के बीच में छुट्टी कर दी जाती है। जननी सुरक्षा का लाभ, आर्थिक लाभ भी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। मैं सुनीता कसेरा, इंडिया नेट के लिए।